है, स्टूडेंट्स और सब खाली छोड़ी बटाता है। क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। घर बताइए कहाँ? शान गाँव, धुरपेली पंजाब। धुरपेली पंजाब? हाँ जी। जा कहाँ रहा? हम लोग जा रहे हैं पानीपत। क्या काम करेंगे? वही धान काटने के लिए जा रहे हैं हम लोग, और एक महीने में वापस हो जाते हैं। एक ही महीने का काम रहता है वहाँ पर, अब कोई रहता है ज़्यादा दिन, कोई रहता है एक ही महीना, तो हम लोग वापस हो जाते हैं। और क्या करेंगे, वापस हो जाते, घर आ जाते हैं। और क्या बोलना, बोलिए। आज ही निकल रहे हैं ना? हाँ आज ही निकल रहे हैं हम लोग। कितना किराया बस का लग रहा है? बस का लग रहा है अभी 2200 रुपया लग रहा है, और ट्रेन से हम लोग जाते थे तो 1000 में पहुँच जाते थे, और यहाँ भी जो है बस में 2200 रुपया लग रहा है। बताइए, घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, कैसे कैसे हम लोग जा रहे हैं, ये सरकार को मालूम नहीं है। बताइए, इतना पब्लिक जो है इतना परेशान है लॉकडाउन लगा करके, कैसे हम लोग खाएंगे, क्या करेंगे, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, बताइए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? वो एक 8 में, एक 7 में। कितने दिन से काम करते हैं हम लोग? अभी करीब 6 महीना हो गया लॉकडाउन से पहले। हाँ जी। पानीपत में जाते थे? नहीं, पानीपत हम बनारस में जाते थे, बनारस से जाते थे वो तो, और बनारस से ही हम साइकिल से आए हैं, बनारस से। अच्छा। कोई साधन नहीं, साइकिल से अकेले? अकेले 6 आदमी आए थे, आदमी अलग अलग साइकिल से आए थे, और कोई रास्ते में कोई नहीं, ना खाना पीना, ना सरकार का कोई सुविधा, क्या करेंगे। कितने दिन में पहुँचे थे? 7 दिन में पहुँचे थे। रात दिन साइकिल चलाते? खाने पीने का कैसे करते? वही वो कहीं चूड़ा उड़ा खा लेते थे, कहीं नमकीन खा लेते, कहीं बिस्किट खा लेते थे, क्या करेंगे, मजबूरी, ना पैसे था साथ में। इलेक्शन है सामने, तो इलेक्शन है तो हमको दीजिए ना 2000-5000। भैया इलेक्शन है, लीजिए पैसा, लीजिए हमको वोट दीजिए, चावल दीजिए, घर में बच्चे का फीस जमा कीजिए, कैसे होगा। हाँ, इलेक्शन में वोट वोट देने के लिए आएंगे आप लोग या नहीं? कैसे, 28 तारीख को इलेक्शन है, आज हम लोग जा रहे हैं 15, ये 8 तारीख को, कैसे आएंगे बताइए, आप आएंगे नहीं आ पाएंगे, ये सरकार हम लोग का कोई व्यवस्था। लास्ट फेज में या बाद में? कै तारीख को है वोट? होगा 7 तारीख को। यहाँ 7 तारीख को हो सकता आ जाए, मगर नामुमकिन है आना। हाँ, एक महीना तो काम चलेगा ही। एक महीना काम चलेगा, यहाँ पे काम हम नहीं मिलता, यहाँ कौन काम मिलेगा, यहाँ क्या रोजगार सरकार दे रखा है, यहाँ क्या रोजगार दे रखा है, कुछ तो नहीं दे रखा है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कुछ है, यहाँ क्या दे रखा है सरकार, कुछ नहीं दे रखा, खाली अपने लूटने के चक्कर में रहता है सरकार। इस बार जो आए तो अपना आपका खेती होती हुआ यहाँ पे, अपना खेती होती कुछ? खेती कैसे हुआ, धान लगाए वो भी चला गया बाढ़ में, चला गया धान, ना कुछ मिला सरकार के तरफ से, कुछ नहीं आया, कोई धान देखने भी नहीं आया, ना खेत देखने के लिए आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, घर में पानी घुसा, कुछ मरा के हरा, कुछ नहीं। कितना धान लगाए थे? हाँ, धान लगाए थे 2 बीघा धान लगाए थे हम तो खुद गरीब आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, जितना हो सका लगा दिए, वो भी नहीं बचा। हाँ बताइए, वो भी नहीं बचा, अब खाएंगे क्या, कमाने के लिए नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या। धान का नुकसान हुआ कितना लगाए थे, कितना रुपया, कितना रुपया तो उसमें कितना लगाए थे, जो उधार उधार लिए थे, लोन लोन नहीं लिए हैं, लोन के लोन ले थोड़ा बहुत खेती लिए, में क्या उधार पैंचा कर करके हम लोग किसी से बकाया ले करके धान लगाए थे, वो भी चला गया। बताइए, क्षति होती कुछ मिलता? कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसका क्षति कुछ नहीं मिला, और ना मिलेगा, ये सरकार जो है ना गद्दी पर जो बैठा है वो कुछ मिलने वाला है नहीं, ये तो खाली अपने चक्कर में रहता है। लॉकडाउन साल भर से लॉकडाउन लगा दिया, सारे जनता मर रहा है एक तरफ, वो अपना पूंजी गर्म कर रहा है।
सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी पटाता है, है नहीं है कि नहीं है? जितना स्टूडेंट है वो बताइए कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी पटाता है। सरकार क्या करेगा? नहीं, पढ़ाई आप चालू कीजिए, कोई नहीं कोई करे कुछ करे, कोई रोजगार नहीं है, रोजगारे नहीं है। अगर पढ़ाई रहता तो हम पढ़ने के लिए जाते कि जाते मोबाइल ये वो करने के लिए? स्कूल में पढ़ाई नहीं रहा, सब टाइम पास कर रहा है ना? सब टाइम पास कर रहा है। अब बताइए क्या करेगा? हम वहाँ पर रहेंगे कैसे? पानीपत में रहने का क्या इंतजाम? वहाँ देखो, वहाँ हम लोग जो है वादे में रहते हैं, जंगल है वहाँ। अच्छा। खेते में हम लोग को जो है एकदम दे दिया गोरू भैंस के तरफ, उसी जगह तुम लोग रहो, वहीं खाओ। हंसाता है, हंसाता है, हंसाता है इन लोग, समझे ना? वहाँ हम लोग जो है, वहाँ कोई घर नहीं है, छोटा सा कमरा रहता है, उसी में 12 आदमी 15 आदमी हम लोग रहते हैं, समझे ना? वहाँ जो है चारों तरफ जो है धान लगा हुआ रहता है, झुग्गी बना के हम लोग रहते हैं। भाई किसी तरह हम लोग को पैसा कमाना है, क्या करेंगे, पेट पालना है। ये भाड़ा जो है 2500-2600 रुपया जो ले रहा है, ये किस चीज़ का ले रहा है? हाँ, ट्रेन खोलिए जल्दी, क्यों नहीं ट्रेन खोलते हैं? हाँ, ट्रेन किसी तरह से खुलवा दे मोदी जी। आप जो है वापस आएंगे उसका कितना लेगा? वापस का भी तो पैसा इतना ही लेगा, कितना लेगा? अब जब ट्रेनें ही नहीं है भाई, बस वाला भी क्या करेगा? तेल का भाव बढ़ा दिया, बस वाला क्या करेगा बेचारा? ₹2500-2500 दे रहे हैं अभी बस में जाने के लिए। खाने पीने का भी तो कुछ खर्चा होगा रास्ते? खाने पीने का भी, जेब में पैसा नहीं, खाएंगे क्या? खाली भाड़ा भाड़ा, घर में 1 रुपया भी दे के नहीं आए हैं। आपके गांव से कितने लोग जा रहे हैं? हम लोग 25 आदमी जा रहे हैं। अभी आज ही जा रहे हैं? 25 आज ही जा रहे हैं। अच्छा, सारे सामान रखा हुआ है यहाँ पर। तो आप लोग एक ही गांव के हैं सब? हाँ, एक ही गांव के हैं।